नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त आहत खान। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम अधिकार इंसाफ की लड़ाई। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपका दोस्त आहत खान। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम अधिकार इंसाफ की लड़ाई द बैटल फॉर जस्टिस में। हर किसी का ख्वाब होता है कि इस जहां में उसकी अपनी ज़मीन और अपनी छत हो। इस छत को पाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई घर बनाने में लगा देता है। और वैसे भी इंसान अपनी ज़िंदगी भर की कमाई दो ही चीज़ों में लगाता है, एक घर बनाने के लिए और दूसरी अपनी बेटी की शादी के लिए। लेकिन सोचिए तब क्या हो जब आप अपनी उम्र भर की सारी कमाई से घर खरीदें और फिर आपको पता चले कि जो घर आपने ख़रीदा है वो कभी आपका था ही नहीं, या यूँ कहें कि आपने घर ख़रीदा ही नहीं। आज का हमारा ये एपिसोड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड फ्लैट अलॉटमेंट पर आधारित है, जिसमें हम आपको बताएंगे फ्लैट की बुकिंग कराते वक्त किन बातों पर ध्यान दें, साथ ही कहां आपसे भूल होती है जिसका फायदा हाउसिंग बोर्ड या प्रॉपर्टी डीलर वाले उठाते हैं। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी ही घटना से जो वाकई में इनके लिए कभी ना भूल पाने वाला सच बन गया। लेकिन लाख मुश्किलों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार सच की जीत हुई। लेकिन जीत के साथ साथ कुछ ऐसे तजुर्बात भी हुए जिन्हें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। आम आदमी की तरह सक्सेना जी ने भी घर बनाने का सपना देखा। सन 87 में 14,000 रुपए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा किए थे, उसमें 100 रुपए की मेंबरशिप भी थी और उस वो इस फिल्म सिटी में 100 गज का प्लॉट देने का उसने वायदा किया था। और वो एक बार मुझको लेकर भी आया यहाँ, मगर उसने प्लॉट नहीं दिया और हम बहुत प्रयास करते रहे, मगर कई बार उसके घर भी गए, उससे पता लगाया, पूछा, मगर उसने वो प्लॉट हमको नहीं दिया। अनंतोगतवा हमको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ा। काफ़ी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार जीत सक्सेना जी की हुई। वर्ष 2002 में फोरम ने निहाल चंद को आदेश दिया कि जब से सक्सेना जी ने प्लॉट रजिस्टर्ड करवाया है तब से लेकर केस फाइल होने तक 12% ब्याज की दर पर सक्सेना जी को मुआवजा दें, साथ ही 500 रुपए कोर्ट के खर्च के लिए भी दिए जाएं। संजीव कोर्ट में जब हमने निहाल चंद के एक बात पेश किया तो ये कंप्लेंट है मेरे पास और उसको सारे दस्तावेज वगैरह की रिसीट नंबर ये वो सब मैंने लगा के दिए। कंज्यूमर कोर्ट ने उनको नोटिस भेजा, नोटिस पर वो जवाब नहीं आए और जब वो नहीं आए तो फिर डेट पर डेट दी गई। इस तरह से पाँच छः डेट दी गई और ये अल्टीमेटली जजमेंट आया है 24 अक्टूबर सन 2002 को और ये एग्जीक्यूट हुआ है सितंबर 2003 में, मतलब 2003 में जाके पेमेंट मिला है। और इसके लिए भी जब उसने पेमेंट वो नहीं, अगर हाउसिंग बोर्ड ने प्लॉट या कोठी का अलॉटमेंट टाइम पर नहीं किया हो तो ये हाउसिंग बोर्ड की डिफिशियंसी इन सर्विस मानी जाती है। और ऐसा ही एक केस हुआ था राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ मकान के अलॉटमेंट में देरी होने के लिए, जिसमें राजस्थान स्टेट कमीशन ने हाउसिंग बोर्ड को 2,00,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। कभी कभी बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर आपकी बुकिंग को कैंसिल कर देते हैं। बुकिंग कैंसिल करने के जो मेन रीज़न होते हैं वो आपके पेपर में कमी या फिर टाइम पर इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से होते हैं। जब भी आप फ्लैट, मकान या दुकान की बुकिंग करवाते हैं तो कितने एरिया की आपने बुकिंग कराई है इसकी पूरी जानकारी आपको हासिल कर लेनी चाहिए।
कई बार बिल्डर सुपर एरिया के पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन आपको मिलता है कारपेट एरिया, जो कि बुकिंग कराए गए एरिया से कम होता है। आप इस बात का खास तौर पर ख्याल रखें आपने कितने एरिया का पेमेंट किया है और आपको कितना एरिया दिया गया। किससे खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उसका टाइटल क्लियर है या नहीं, कितना एरिया है, क्योंकि आप बना बनाया खरीदेंगे तो उसमें कई एरिया हैं, सुपर एरिया, कवर्ड एरिया, फ्लोर एरिया, पैसे किसके दे रहे हैं, आप मिल क्या रहा है आपको, कारपेट एरिया, ये सारी चीज़ों को खोजबीन कर लें। और जो आप नॉर्मली जो लोग एग्रीमेंट्स देते हैं उनमें क्लॉजेस को पढ़ लें। जब आप बिल्डर या हाउसिंग बोर्ड से फ्लैट की बुकिंग करवाते हैं तो वे अपनी स्कीम को आकर्षक बनाने के लिए हेल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, स्कूल बनाने का वादा करते हैं, जो कि आपको फ्लैट अलॉटमेंट के बाद कई सालों तक आपको नहीं मिलता। तो ये हाउसिंग बोर्ड की डिफिशियंसी इन सर्विस मानी जाती है। जब आप मकान या फ्लैट खरीदते हैं तो अलॉटमेंट के टाइम पर बिजली और पानी की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर आपको ये सभी फैसिलिटीज नहीं मिलती और इन सुविधाओं के लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है तो ये कानूनी रूप से गलत है। अगर फ्लैट या मकान की अलॉटमेंट में देरी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि सरकार ने बिल्डर की ज़मीन को पारित नहीं किया तो ये बिल्डर की डिफिशियंसी इन सर्विस मानी जाती है। ऐसा होने पर बिल्डर अलॉटी को मुआवजा देगा। जितने एरिया की आपने बुकिंग करवाई है उससे ज़्यादा देकर या फिर कम देकर बिल्डर आपसे ज़्यादा पैसे मांगे तो ये उसकी मनमानी होगी, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। अगर बिल्डर ये कहकर मकान देने में डिले करे कि आपके फ्लैट पर किसी और ने कब्जा कर रखा है इसलिए जब वो खाली करेगा तब आपको फ्लैट मिलेगा, ये अलॉटी को गुमराह करना है। ये बिल्डर की जिम्मेदारी है कि अलॉटी को फ्लैट अलॉट करते वक्त किसी तरह की परेशानी ना हो। भूमि जिस पे बन रही है वो बहुत ज़रूरी है कि अप्रूव्ड है कि नहीं है प्रशासन से या संबंधित विकास प्राधिकरण से। उसके अलावा मैंने बताया था कि उसके ब्रोचर जो हैं, जो पुस्तिका जो उपलब्ध कराते हैं, उसमें अपना विवरण देते हैं कि क्या फ्लैट है, क्या उसकी साइज़ है, क्या उसका मूल्य होगा, क्या उसका क्षेत्रफल है, क्या क्या सुविधाएं वो उपलब्ध कराएंगे, इन सब बातों को बड़े देखना है। कई मर्तबा देखा गया है कि फ्लैट की बुकिंग आप कर देते हैं और बुकिंग करने के 2-3 महीने बाद आपको बढ़ी हुई कीमत पर फ्लैट खरीदना पड़ता है, जो कि कानूनन गलत है। नियम के मुताबिक बुकिंग के वक्त मकान, दुकान या ज़मीन की जो कीमत थी उसी कीमत पर मकान या दुकान लेना चाहिए। अक्सर लोग बिल्डर के नाम सुनकर या विज्ञापन देखकर फ्लैट की बुकिंग कर लेते हैं, जिसका खामियाजा आपको अपनी सारी पूंजी गवाकर चुकाना पड़ता है। फ्लैट की बुकिंग करवाते समय आप ये ध्यान रखें कि कौन से फ्लोर पर आपके फ्लैट की बुकिंग हुई है और कितने एरिया में, उस अपार्टमेंट की डिज़ाइन पास हुई भी है या नहीं। मेरा ये कहना है कि मकान, दुकान और ज़मीन के मामले में कंजूसी ना करें, ज़रूर किसी वकील को फीस दे के, मुफ्त में नहीं, फीस दे के और सलाह लें कि भैया ये खरीद रहे हैं, इसके कागज़ सही हैं नहीं हैं, हमें सलाह दो आप, और लिख के सलाह लेना। किसी वकील की जबानी सलाह लेने के टाइम 2 बार सोचिए आप, क्योंकि जबानी सलाह वो कुछ भी दे सकता है, लिख के सलाह देगा तो 10 बार सोचेगा दस्तखत करने से पहले। पैसे दो और लिख के सलाह लो, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। कोई भी बिल्डर तब तक अपने अपार्टमेंट से रिलेटेड स्कीम की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता जब तक उसको ज़मीन ना मिली हो। सरकार से प्लॉट सैंक्शन होने के बाद ही बिल्डर मार्केट में अपनी स्कीम्स की एडवर्टीजमेंट कर सकता है। आप जब भी फ्लैट या प्लॉट या दुकान की बुकिंग कराएं तो खुद ही जांच पड़ताल कर लें। इतनी छानबीन करने के बावजूद भी अगर आप ठगे जाते हैं तो आप उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उठाइए पेन और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है BKP मीडिया विजन, फिल्म सिटी, नोएडा, 201301, उत्तर प्रदेश।